वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज वाला मेरा जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं ना आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ ना वो बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। मैं वैसे तो बनाए सेकेंड टाइम ही रही हूँ, बल्कि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे थोड़ा डाउट था कि जब तक मैं किसी रेसिपी में कॉन्फिडेंट नहीं आ जाता ना मुझे, जब तक मैं शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। और आज ना मेरे साथ ये भी किचन में था, हनी आज मेरे साथ ना रेसिपी बनाने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि तो मुझे मुझसे सीखो, मैं तुमको कितनी कितनी सारी चीज़ें बनाना सिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि ओहो आप मुझे सिखा रहे हो, तो बोले कि हाँ। तो फिर ना एक्चुअली ना हम बनाने वाले नहीं थे, बट बोले कि चलो ना आज कुछ नई रेसिपी है तो बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज वाला फिर मैं ब्लॉग ना अनदर कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ मैं इनका रेसिपी वाला ही ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज मैं सिर्फ रेसिपी वाला ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो वहाँ खड़े और ना मुझे दिखाओ आप लोगों को, देखो अंदर चले गए। मतलब मैं ना आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज पति देव मेरे साथ हेल्प कराने वाले हैं। तो चलो अभी हम सीधा चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी रेसिपी। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी बनाना, क्यों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद। तो आज मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और पूरा मेरा ब्लॉग है ना रेसिपी के ऊपर ही हो जाना है आज। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर दूध डाला हुआ है, क्योंकि मैं ना 1/2 किलो मिल्क पाउडर की बनाने जा रही हूँ। मतलब दूध की नहीं बना रही हूँ, मिल्क पाउडर की बना रही। तो मैंने ना यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया हुआ है, और ये दूध थोड़ा जब गर्म हो गया ना, थोड़ा सा वार्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ना 1.5 गिलास पानी डाल दिया हुआ, और इसको मैं अच्छे से थोड़ा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, इसके बाद मैं जिस मतलब जो मिल्क पाउडर है ना अमूल वाला मैं उसी की बनाने वाली हूँ। तो मैंने 1/2 किलो का कैन लिया हुआ, तो मैं इसको जब ये अच्छे से गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें ये जो पूरा पाउडर था ना मिल्क पाउडर वो मैंने डाल दिया हुआ, और अब इसको अच्छे से चलाना है, ऐसा ना हो कि इसमें लम्स बनने लगे। तो मेरे ना स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था लम्स बनने लगेंगे, बाकी मैंने ना चम्मच की हेल्प से बहुत अच्छे से उसको चलाया हुआ है। हनी भी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये ना बार बार आपको दिखा रहे थे कि 1/2 किलो का लिया है हमने, हम 1/2 किलो की कलाकंद बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके सारे लम्स जो है ना वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो, और ना इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाते रहना, और जितना अच्छे से आप लोग इसको चला सकते हो ना चलाना, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग चलाओगे ना इसके लम्स उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देखो मैं स्पून से पहले कर रही थी, फिर मैं ये जो आती है ना मतलब चलाने वाली मैं उसी से चला रही थी, क्योंकि इससे ना लम्स बहुत जल्दी टूट भी रहे थे और लम्स बन भी नहीं रहे। जब ये अच्छे से थोड़ा सा मतलब थिक हो गया था ना उस टाइम पे मैंने यहाँ पे ना जो पाउडर मैंने बना लिया होता, शुगर थी मेरे पास तो मैंने उसको नहीं डाला, मैंने उसको पाउडर फॉर्म बना के डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी थिक हो गई, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हुआ है पाउडर शुगर, इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी और इसमें कोई लम्स ना बने। तो देख सकते हो कि इस चम्मच में जो लम्स बना था ना वो बीच में आ गया, बाकी मैं इसको चलाते रहूँगी ना तो इसका जो लम्स है ना इसके अंदर वो पूरा खत्म हो जाएगा। और देखो ये सब कुछ बनाने में ना इतना किचन गंदा होता है, तो देखो मेरा पूरा गैस खराब हो गया और पूरा नीचे तक फैल गया है। बाकी कोई बात नहीं, हमारी रेसिपी बन जाएगी तो मैं पूरा का पूरा किचन को अच्छे से साफ कर दूंगी। और यहाँ पर ये जो मेहनत कर रहे हैं ना चलाने में, ये पूरी की पूरी हनी की मेहनत है, हनी इसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और ये देखो कितनी मतलब गाढ़ा हो गया है, और जब ये अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा ना तो आप लोग को क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना कटोरी में, ये थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नींबू है। अगर आपको कलाकंद अगर दानेदार बिल्कुल मार्केट वाली चाहिए ना, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक मिक्स करके आप लोग ना उसके छटकारे देते रहना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बूंद से उसको डालते रहना। तो उससे क्या होगी ना कि ये जो अपना मिल्क पाउडर रहेगा ना उसमें पड़ेगा, तो थोड़े से क्या दानेदार बनेगी आपकी कलाकंद। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो मिल्क पाउडर होता है ना वो थोड़ी सी जो कलाकंद बनेगी तो उसकी वजह से चिपचिपी सी थोड़ी सी बनेगी, और बिल्कुल एकदम वैसी बनेगी खाने में ना, आपको चिपकेगी वो। और बट अगर आप थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दोगे ना तो चिपचिपी नहीं बनेगी और बिल्कुल दानेदार बनेगी। तो बहुत अच्छे से इसको चलाते रहना है, काफ़ी टाइम लग गया था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, चलाने चलाने वाला कितना दिखाती इसलिए। तो ये देख सकते हो कि हमारा कितना अच्छे से हम लोगों ने चलाया, और इसका कलर भी चेंज हो गया, और आप लोग देख सकते हो कि पूरी तरीके से दानेदार बनी हुई है। तो बस अभी यहाँ इस कंटेनर में मैंने घी ले लिया हुआ है,
ये मेरे पास केक टिन था, तो मैंने उसी में ना घी को बहुत अच्छे से लगा दिया हुआ है। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया हुआ है। अब जो मैंने ये बनाया हुआ है कलाकंद, अभी इसको मैं डाल दूंगी इसमें, और इसको थोड़ी देर ना अच्छे से ठंडा हो गया, इसके बाद मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वार्म हुआ है उसके बाद ही मैंने इसमें डाला हुआ है इसको। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं चम्मच की हेल्प से पूरा डाल दूंगी, और अब इसको अच्छे से इसको मैं सेट कर दूंगी, और अब मैं इसको रख दूंगी 1-1.5 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। वैसे अगर नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब गर्मी वाला वेदर भी है, ठंडी वाला वेदर भी, तो थोड़ा सा जमने में टाइम लग रहा है। तो ये देखो मैंने यहाँ डाल दी, और मेरी यहाँ मुझे ना थोड़ी सर्दी हो रही, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी। तो यहाँ पर देखो एक तार का सेट कर दिया हो, और ये पूरा हनी ने सेट किया हुआ। मैंने सेट किया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले नहीं नहीं मैं सेट करूँगा। तो यहाँ पर ना मैंने उनको बादाम कट करके दिए, मैंने काजू भी दिए थे, बोले नहीं मैं बादाम से डेकोरेट करूँगा। तो यहाँ पर वो खुद ही बोले मैं डेकोरेट करूँगा। तो अभी आप लोग देखो कितने पास पास में रखे हैं ना इनने बादाम, और अभी थोड़ी देर बाद देखना उनको डिज़ाइन समझ में नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि दूर दूर रखना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे दूर दूर हो रहा है, और अभी इस साइड में ना आप लोग देखोगे कि थोड़ा पास पास में रखा, तो उसको भी वो हटा के दूर दूर कर देंगे, ताकि कि मेरे को बोले मुझे फीलिंग नहीं आ रही अच्छी वाली। तो उस कंडीशन में ना उन्होंने ऐसे रख दिए थे। तो देखो यहाँ पर उन्होंने अच्छे से सजा दिया हुआ है मिल्क केक को, सॉरी मिल्क केक बोल रही, कलाकंद को। और अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, और थोड़ी देर इसको जमने दूंगी, इसके बाद मैं निकालूंगी। और फिर जब तक मैं देखो पूरा इसको अनी कर रहे थे डेकोरेट, जब तक मैंने पूरे बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए, गैस स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। तो चलो अभी हम पहले इसको रख देते हैं फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा सा जम जाए। अभी रखूँगी फ्रीज़र में, इसके बाद जब थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएगी, इसके बाद मैं इसको फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो चलो अभी हम इसको रख देते हैं फ्रिज में, इसके बाद चेक करेंगे कि ये जमी या नहीं जमी। और ये वो मतलब 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद की क्लिप है। तो ये देखो बहुत अच्छे से सेट हो गई थी, बाकी मैंने इसको टच करके देखा था, मुझे लग रहा था कि अंदर तक ना थोड़ी थोड़ी सी गीली थी, तो मैंने सोचा कि काम करती हूँ उसको अच्छे से सेट हो जाने लेती हूँ, उसके बाद मैं निकालूंगी। फ्रीजर में रखी हुई, क्योंकि मैंने अभी वापस से निकाल के देखा था ना उसको, वो थोड़ी थोड़ी सी मुझे ना ऐसे लग रही थी कि गीली है, तो मैंने उसको वापस से फ्रीजर में रख दिया हुआ है। इसके बाद मैं नीचे वाले फ्रिज में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि अभी फ्रीजर में है, थोड़ी देर बाद नीचे वाले फ्रिज में शिफ्ट करूंगी थोड़ी सी। वो फिर क्या ना कि अगर मैं उसको कट करूँ तो वो बिखरे ना, क्योंकि मुझे खर्च आती फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, और खाने में भी मजा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा थोड़ी अच्छे से जम जाए, इसके बाद कट करूंगी। और आज की पूरी रेसिपी जो है ना, मतलब बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज हनी भी हेल्प करा रहे थे, और किचन में जब दोनों लोग लगते हैं ना तो वह मजा आता है। तो मेरी रेसिपी बन चुकी है, और आज पूरी मतलब चलाने वाला जो काम था ना वो पूरा हनी ने किया, तो उनका हाथ भी दर्द होने लग गया। मैंने तो ज्यादा नहीं चलाया, ज्यादा उन्होंने चलाया हुआ है। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं उसको कब कट करूंगी, आई थिंक मैं मॉर्निंग में ही कट करूंगी इसको, अभी तो नहीं कट करूंगी इसको, अभी मैंने जमने के लिए अच्छे से रख दिया हुआ है। तो चलो अभी इस वाले वीडियो ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, और अब आपसे मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज वाली मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।